हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा कैसे हैं आप सब आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स एमसीक्यूज़ ऑन सोशल सिक्योरिटी फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एओयू पी लेक्चर नंबर टेन रहेगा ऑलरेडी नाइन लेक्चर्स कर चुके हैं वो भी देख लीजिएगा आप ठीक है uh, उसका जो प्ले लिंक है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ठीक है और नॉन वीडियो कोर्सेज़ हैं अभी के लिए जो एम कोर्सेज़ हैं आपके लेबर लॉ गैप और सोशल सिक्योरिटी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है तो अगर आप वो परचेज़ करना चाहते हैं वो देख सकते हैं चलिए शुरू करेंगे लेक्चर टेन और हमेशा की तरफ पांच क्वेश्चन देखेंगे अच्छा कुछ बच्चे अब इस लेक्चर में कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये आपने सोशल सिक्योरिटी पढ़ाया या पॉलिटी पढ़ाया है ठीक है क्योंकि आज का जो हमारा टारगेट रहेगा हम मेनली क्वेश्चंस जो देखेंगे वो देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर तो आप इसको पॉलिटी एक तरह से आप समझ सकते हो कि आपका पॉलिटी का पोर्शन भी कवर हो रहा है लेकिन सोशल सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट भी कवर हो रहा है मैंने पहले भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी कानून जो भी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो आप सोशल सिक्योरिटी के अंडर हेड के अंदर भी हम उसको कवर कर सकते हैं ठीक है तो लेक्चर नंबर टेन ये रहेगा शुरू करते हैं प्रोसेस वही पांच क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन देखें समझें आंसर करने की कोशिश करें अं मार्क करें कितने सही कितने गलत ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन इनमें से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और ऑल ऑफ दी अबव इनमें से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ठीक है जी तो ईजी सा क्वेश्चन अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है थोड़ी भी तो ईजीली आंसर इसको कर दोगे देखो दो तीन टर्म्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक होती है आपकी स्टेटूटरी बॉडी ठीक है एक होती है फिर आपकी नॉन स्टैटूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसकी फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में मैंशनड है जैसे हम एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं फाइनेंस कमीशन का इलेक्शन कमीशन का एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए इलेक्शन कमीशन होना चाहिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मैंशनड है इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है ये वो बॉडी होती हैं जो किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी हो पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया हो और उस पार्लियामेंट के एक्ट से वो बॉडी की फॉर्मेशन जो है वो हुई हो तो हम उस बॉडी को क्या कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी हम उसको कहते हैं ठीक है ठीके? Uh, उसके बाद नॉन स्टेटूटरी बॉडी कौन सी होती है नॉन स्टेटूटरी बॉडी वो होती है जिसके लिए देर इज नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की मतलब पार्लियामेंट के किसी एक्ट ने नहीं बनाई ठीक है वो सरकार ने कोई रेजोल्यूशन पास करके उसको बना दिया इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं नीति आयोग का किसका एग्जाम्पल लेते हैं हम नीति आयोग का ठीक है तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट क्योंकि इसके बारे में आपके संविधान में प्रोविजन है ठीक है बाकी ये जो नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन है और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ये किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे

बाकी जितने आपके नेशनल कमीशन है जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी हो गया ह्यूमन राइट कमीशन हो गया प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का कमीशन हो गया ये सारे के सारे स्टेटूटरी बॉडी हैं क्योंकि इनको पार्लियामेंट के एक एक्ट ने इस्टेब्लिश किया है पर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है ठीक है चले सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को दो अलग अलग कमीशन में बांट दिया पहले क्या होता था पहले एक सिंगल कमीशन होता था जिसको कहा जाता था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया और उसके बाद क्या किया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और दूसरा हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ फैक्चुअल क्वेश्चन है सिक्सटी फिफ्थ सेवेंटी फोर्थ एटी नाइन्थ या फिर नाइन्टी फिफ्थ कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये किया गया तो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा आंसर इस केस में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एट्टी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यह बाइफर्केशन किया गया था तो अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं इस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कि किस तरह से ये दो अलग अलग कमीशन बने तो सबसे पहले जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आर्टिकल थ्री में क्या लिखा गया था कि एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा ये इसको बोला जाएगा स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और इस ऑफिसर का काम क्या होगा कि ये जितने भी मैटर्स होंगे रिलेटेड टू कि किस तरह से एस एंड एस को सेफ देना है जो भी मैटर्स होंगे एस एंड एस से रिलेटेड उनके रिलेटेड काम करेगा और ये अपनी रिपोर्ट जो है प्रेजिडेंट को देगा ठीक है आर्टिकल थ्री में ये लिख दिया गया 1978 में क्या किया सरकार ने उस समय की सरकार ने ये स्पेशल ऑफिसर तो था ही स्पेशल ऑफिसर के अलावा एक नॉन स्टैटूटरी नॉन स्टैट्यूटरी का क्या मतलब हो गया कि सरकार ने रेजोल्यूशन ने सरकार ने एक चिट्ठी निकाली और उससे ये बॉडी बना दी ना इसमें कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था तो 1978 में सरकार ने एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया फॉर एस एंड एस ठीक है ऑफिस ऑफ कमिश्नर तो अभी भी रहेगा ही वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसके अलावा ये एक नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी बना दी ठीक है नाइनटीन एट्टी में सरकार ने क्या किया 1987 में सरकार ने ये जो नॉन स्टेट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन बनाया था इसका नाम चेंज कर दिया और इसको कहा नेशनल कमीशन फॉर एस एंड एस अभी भी ये क्या है नॉन स्टेट्यूटरी है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ना ही ये पार्लियामेंट के एक्ट में है फिर एक सिक्सटी अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया 1990 में। और 1990 में में और इस Constitutional Amendment Act से क्या किया? इन्होंने एक National Commission for SCST बना दिया, ठीक है? पहले क्या था सिंगल एक ऑफिसर था ना अब उस ऑफिसर की जगह क्या कर दिया इन्होंने मेंबर नेशनल कमीशन बना दिया ठीक है नेशनल कमीशन फॉर एस सी इसको क्या है मेंबर कर दिया आर्टिकल 338 में इसके बारे में लिख दिया और right. और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने कमिश्नर का जो ऑफिस था उसको रिप्लेस कर दिया फिर फाइनली अब ये नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी था इसको ए नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बाइफरकेट कर दिया एक नेशनल कमीशन फॉर एससी बना दिया और एक नेशनल कमीशन फॉर एसटी बना दिया ठीक है नेशनल कमीशन फॉर एससी के बारे में आर्टिकल 338 में है और नेशनल कमीशन फॉर एसटी के बारे में आर्टिकल 338 में है तो ये सारा बैकग्राउंड इसको आपने समझना है और अल्टीमेटली नेशनल कमीशन फॉर एस जो है दो में एग्जिस्टेंस में आ गया ठीक है तो इस तरह से आपने सारा बैकग्राउंड समझ लेना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी बन सकते हैं चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द नेशनल ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यहां पर लिख दिया ये नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन होना था ये मेरा टाइपिंग एरर हो गया है कोई बात नहीं नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन यहां पर होना था कि इनमें से कॉम्पोजिशन आपको बताना है कि कौन कौन कंपोज uh, करता है नेशनल uh, शेड्यूल कास्ट कमीशन को चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन थ्री मेंबर्स अदर देन द चेयरमैन एंड वाइस पर्सन तो ऑप्शन ए वन एंड थ्री ओनली बी टू एंड थ्री ओनली सी वन टू एंड थ्री या फिर डी थ्री ओनली क्या आंसर होगा चलिए तो आंसर इस केस में क्या होगा इस केस में आंसर होगा आपका ऑप्शन सी वन टू एंड थ्री तीनों होते हैं तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में क्या क्या होता है एक चेयरपर्सन होता है एक वाइस चेयरपर्सन होता है ठीक है और तीन मेंबर होते हैं चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के अलावा यानी कि टोटल वन प्लस वन प्लस थ्री आपके टोटल पांच मेंबर का ये कमीशन जो है वो रहता है ठीक है एक बार देख लेते हैं तो 2004 में एग्जिस्टेंस में आया चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन थ्री अदर मेंबर्स और अपॉइंटमेंट कौन करता है प्रेसिडेंट करता है ये भी सवाल सीधा सीधा पूछा जा सकता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और इनके जो कंडीशन ऑफ सर्विस होता है या कितना समय का इनका टेन्योर ऑफिस जो रहेगा वो भी कौन डिसाइड करता है प्रेजिडेंट करता है तो इस चीज को भी दिमाग में रखना है फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट एनुअली प्रेजिडेंट को सबमिट करता है दूसरा स्टेटमेंट कह कहता है कि अगर कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन देनी है तो वो डायरेक्टली रिपोर्ट जो है वो गवर्नर को सबमिट करेगा उस स्टेट के तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है तो जो प्रेसिडेंट होता है वो इस नेशनल कमीशन की जो रिपोर्ट होगी वो पार्लियामेंट के सामने रखेगा और रिपोर्ट के साथ साथ वो एक और मेमोरेंडम भी देगा पार्लियामेंट को जिसमें यह बताया जाएगा कि कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी हैं उसके ऊपर सरकार ने क्या क्या जो डिसीजन हैं या क्या क्या एक्शन लिए हैं आंसर आपको बताना है इनमें से वन एंड थ्री वन टू एंड थ्री वन एंड टू या फिर वन ओनली ओके तो देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है रिपोर्ट एनुअली दी जाती है प्रेसिडेंट को तो वन तो है ही सब में ही है वन तो एलिमिनेट नहीं कर सकते वन की हेल्प से दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कमीशन सबमिट करता है रिकमेंडेशन जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है डायरेक्टली गवर्नर को यह स्टेटमेंट गलत है ठीक है यह स्टेटमेंट गलत क्यों है क्योंकि जो कमीशन है वो सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है वो प्रेसिडेंट को देता है आगे अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड उसमें कुछ है तो प्रेसिडेंट वो गवर्नर को पास करता है ना कि कमीशन डायरेक्टली गवर्नर को देता है इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपका गर, गलत हो जाता है और ऑप्शंस बी और सी एलिमिनेट हो जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है प्रेजिडेंट जो रिपोर्ट होती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की उसको पार्लियामेंट के सामने पेश करता है अलॉन्ग मेमोरेंडम सो आंसर यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है आपसे करेक्ट पूछा गया था ऑप्शन ए हो जाएगा ये बी गलत लिखा हुआ है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ओके ऑल राइट तो एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं रिपोर्ट ऑफ द कमीशन की बात करें तो एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को जाती है और अगर प्रेसिडेंट चाहे या कमीशन चाहे तो पहले भी सबमिट कर सकते हैं ओके okay, प्रेसिडेंट इन सब रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं अलोंग विद द मेमोरेंडम ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं मेमोरेंडम में सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि क्या रीजनस हैं कि कुछ रिकमेंडेशन को नॉन एक्सेप्टेंस मिला है या कुछ रिकमेंडेशन को एक्सेप्टेंस मिला है प्रेजिडेंट को अगर ऐसा लगता है कि कमीशन की कोई रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो वो स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर को वो रिपोर्ट uh, आगे भेज देते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है फिर वो उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश करते हैं वंस अगेन विद अ मेमोरेंडम कि क्या डिसीजन लिए हैं और क्या डिसीजन नहीं लिए हैं ऑल राइट नाउ लेटेस्ट मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो है वो करेक्ट है पहला द कमीशन हैज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट सिविल कोर्ट के पावर्स होते हैं कमीशन के पास दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है दे आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी मैटर है या कोई भी मेजर डिसीजन लेने जा रहे हैं जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को इफेक्ट करेगा तो उससे पहले उनको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की सलाह लेनी है थर्ड स्टेटमेंट द कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शन विद रिगार्ड टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उससे उनसे रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो भी कौन देखेगा वो भी आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट देखेगा चौथा द कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शन विद रिगार्ड टू द अदर बैकवर्ड क्लासेज अदर बैकवर्ड क्लासेज या OBCs जो हैं उनसे रिलेटेड भी जो मैटर्स हैं वो भी आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट देखेगा ऑप्शन ए वन टू एंड वन टू थ्री एंड फोर ऑप्शन बी वन टू एंड थ्री ऑप्शन सी वन एंड टू डी वन ओनली क्या आंसर होगा देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ठीक है तो पहला स्टेटमेंट सब में या चलो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं तो उससे पहले उन्हें कमीशन से डिस्कस करना है थर्ड स्टेटमेंट भी सही है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड भी जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट देखेगा फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि अब आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो बन चुका है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल Uh, जो है एक्सेप्टेंस मिल चुकी है तो वो अलग चला गया पहले उससे उसके बनने से पहले जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ही देखा करता था पर अब नहीं तो आंसर इस केस में आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वन टू एंड थ्री ओनली ठीक है जी तो कमीशन जो है इसके पास पावर है कि वो अपना खुद का प्रोसीजर रेगुलेट कर सके जो भी मैटर उसके सामने आता है उसको इन्वेस्टिगेट कर सके और सारी सिविल कोर्ट की पावर्स भी इनके पास रहती हैं जब हम ये बात करते हैं सिविल कोर्ट की पावर्स हैं तो इसका क्या मतलब हो गया है? कि ये समन कर सकते हैं किसी को भी अपने सामने पेश होने के लिए ठीक है दे कैन यू नो गिव ऑर्डर्स कि वो प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी डिस्कवरी और उनको uh, उनके सामने प्रोड्यूस किया जाए एविडेंसेस पब्लिक uh, रिकॉर्ड्स जो है ये किसी भी कोर्ट से किसी भी ऑफिस से लेकर के आ सकते हैं ठीक है विटनेसेस को समन कर सकते हैं और कोई और मैटर अगर प्रेसिडेंट जो है इनको डिटरमिन करता है तो वो उसके ऊपर भी ये काम कर सकते हैं ठीक है जी उसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी अगर डिसीजन लेना है जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को इम्पैक्ट करेगा तो उससे पहले कमीशन के साथ डिस्कस करना है ठीक है जी कमीशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड दो तक ये फंक्शन ओबीसी कम्युनिटी से रिलेटेड भी परफॉर्म करते थे लेकिन 102 अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव कर दिया गया था 2018 में तो तो ये ये भी आपने याद रखना और ये भी आपने आपने याद याद रखना रखना और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है है ठीक जी चलिए तो पर हमारे टू थाउजेंड एन में कवर हो गए हैं और आपका ऑलमोस्ट जो सारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं उससे बाहर सवाल नहीं आएगा अगर आपने ये वीडियो देख लिया है समझ लिया है इसको तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है जी सो so, यहाँ पर एंड करते हैं बाकी की वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं वो आप देख सकते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय